फ्रेंड्स सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए कि इस वीडियो में 66,000 प्लस व्यूज है एंड नेक्स्ट वीडियो में देखिए 55,000 प्लस व्यूज है। इसके बाद ये दूसरी वीडियो देखिए, इसमें देखिए 15,000 प्लस व्यूज है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है सही टाइम पे वीडियो अपलोड करना। और मैंने एक हफ्ते से एक्सपेरिमेंट कर रही थी और आप देखिए कि रिजल्ट आपके सामने, दो तरीके का आपको रिजल्ट देखने को मिला कि इस वीडियो पे देखिए 2K 3K 5K व्यूज आके वीडियो रुक जा रही है। तो इसके पीछे का रीजन है कि मैंने सही टाइम पे वीडियो नहीं अपलोड किया, मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी और मैंने देखा कि एकदम ये सही है कि अगर आप सही टाइम पे सही समय पे वीडियो नहीं अपलोड करते हैं तो आपकी जो वीडियो पे व्यूज आता है वो एकदम से रुक जाता है और जो आपके चैनल पर प्रॉब्लम है 10 20 50 व्यूज की, वो इसी की वजह से है कि आप सही टाइम पे वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं। तो आज मैं आपको जो टाइम बताऊंगी उस पे सिर्फ आप 7 दिन ट्राई करके देखिए, उसी टाइम पे वीडियो अपलोड कीजिए, 100% आपको रिजल्ट पॉजिटिव वे में मिलेगा और आपके भी चैनल पर जो व्यूज की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। बस उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आप चलिए फ्रेंड्स अब बात करें कि वो कौन सा बेस्ट टाइम है जिस टाइम आपको वीडियो अपलोड करना है ताकि आपके भी वीडियो पे व्यूज की प्रॉब्लम खत्म हो। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, अपना YT स्टूडियो ओपन कर लेना है जो कि मैंने साइड में ओपन कर लिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे नीचे की साइड में आप देख लीजिए लिखा हुआ है एनालिटिक्स, नीचे की साइड में 5 नंबर पे देख लीजिए, सिंपली इस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहीं से आपको पता करना है कि एक्चुअली में आपके वीडियो पे व्यूज क्यों नहीं आ रहा है और आपको सही टाइम कौन सा है जिस टाइम आपको वीडियो अपलोड करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे देख लीजिए 4 नंबर पे ऑडियंस लिखा, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको क्या ग्राफ देखने को मिल रहा है, रिटर्न व्यूअर्स। तो यहाँ पे आपको देखना है रिटर्न व्यूअर्स पे क्लिक करके कि कितना आपके, मतलब 28 दिन के अंदर कितने व्यूअर्स आप में रिटर्न आए हैं और कितने व्यूअर्स आप में न्यू ऐड हुए हैं, जो आपके न्यू व्यूअर्स हैं। क्योंकि रिटर्न व्यूअर्स वो होते हैं, पहले इसको आप समझ लीजिए, कि जो आपके पुराने व्यूअर्स हैं ओल्ड व्यूअर्स वो आपको रिटर्न मारते हैं, लेकिन जो न्यू व्यूअर्स हैं वो पहली बार फर्स्ट टाइम जुड़ते हैं। तो न्यू व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा जरूरी है ऐड होना आपके चैनल पर एंड जो रिटर्न व्यूअर हैं उनको भी ऐसा कॉन्टेंट दीजिए, ऐसा विश्वास आप अपने ऊपर बनाइए कि वो बार बार रिटर्न आपकी वीडियो पे देखें। तो आप देख लीजिए कि मेरा जो है बराबर ग्राफ चल रहा है रिटर्न व्यूअर्स एंड न्यू व्यूअर्स, लेकिन आप देखिए कि न्यू व्यूअर्स यहाँ पे 80,000 के समथिंग आ चुके हैं। आप देख सकते हैं नीचे 76227, मतलब 80,000 के करीब यहाँ पे न्यू व्यूअर्स आए हैं, लेकिन जो रिटर्न व्यूअर्स हैं वो 40,000। तो मतलब कुछ मैंने ऐसा गलत किया या चैनल पे ऐसा कंटेंट नहीं प्रोवाइड कराया कि जो ओल्ड ऑडियंस है वो मुझे धीरे धीरे छोड़ के जाने लगी। रिटर्न व्यूअर्स मतलब जो न्यू व्यूअर्स है वो तो आ रहे हैं लेकिन रिटर्न व्यूअर्स नहीं आ रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी टाइमिंग को सेट करना है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे नीचे की साइड में आप देखिए कि एक तरफ आपको देख लीजिए लिखा हुआ यूनिक व्यूअर्स, मेरे चैनल पर यूनिक व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हैं जो 1,21,000 प्लस आए हैं। यूनिक व्यूअर्स का भी मतलब आप समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब YouTube हमारा इंप्रेशन भेजता है किसी के सामने, मान लीजिए आपके सामने भेजा पहली बार और आप मुझे नहीं जानते हैं, या आपके सामने पहली बार मेरा थंबनेल गया और आपने मेरे थंबनेल को देखा तो उस थंबनेल में आपको कुछ यूनिक लगा और आपने क्लिक कर दिया पहली बार में, तो उसको कहते हैं यूनिक। मतलब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन यूट्यूब ने इंप्रेशन भेजा तो आपको अच्छा लगा तो क्लिक कर दिया, तो उसको कहते हैं यूनिक व्यूअर्स। मतलब पहले कभी उन्होंने नहीं देखा है, अनोखा जिसको कहते हैं, उनके सामने गया मेरा थंबनेल और उन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं यूनिक व्यूअर्स और ये भी मेरे चैनल पर काफी अच्छे आए हैं। आप देख सकते हो कि जो कि मैंने बता दिया 1,21,000, तो मतलब मेरा थंबनेल अट्रैक्टिव है। इसके पीछे का रीजन है कि आपका थंबनेल काफी अच्छा होना चाहिए ताकि अगर लोगों के सामने यूट्यूब आपका इंप्रेशन भेजे तो क्लिक ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। अब नीचे आइए, अब यहां देखिए लिखा हुआ है व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, ये YouTube आपको एक ग्राफ दिखा रहा है, आप देख लीजिए मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे आपको टाइमिंग दे रहा है क्या, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे इस अकॉर्डिंग, लेकिन इस ग्राफ के हिसाब से आपको काम नहीं करना है। इसके पीछे का रीजन आप जान लीजिए क्यों, इसके पीछे का रीजन है कि आपके चैनल पर ऑडियंस अभी बहुत कम है। मतलब कितना व्यूज आता है, 15, 20, 25 या 50 या मान लो 100-200 आता है, उसके बाद रुक जाती है। तो अगर इसके हिसाब से आप काम करेंगे तो इस पे मंडे को आपको सुबह दिखाएगा 8 बजे,
तो ट्यूजडे को आपको रात में 8 बजे दिखाएगा, तो वेडनेसडे को आपको दोपहर में दिखाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो ऑडियंस है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी और ना ही आपकी वीडियो वायरल होगी। तो एक्चुअली में आखिर सही टाइम क्या है, तो उसके लिए आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ देखिए लिखा हुआ है एज। क्या लिखा है? एज। तो इसको आपको पहले क्लिक करना है, आपको अपने एज वाले सेक्शन में क्लिक करना है और यहाँ देखिए आपको एज वाले पे जब क्लिक करेंगे तो आपको दो ग्राफ देखने को मिलेगा, एक एज और नीचे आपको देखने को मिल रहा है जेंडर। तो इसको पहले दोनों को आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो आप देखिए कि 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में 65 से 70% ऑडियंस मेरी है। कितने? 18 साल से 34 साल के बीच में, मतलब 34 तक 70% मेरी ऑडियंस है। उसके बाद 30% ऑडियंस ऊपर नीचे वाली एज की है। तो अब आपको यहाँ पे ये चीज पता चल गया कि 18 से 34 साल की जो मेरे पास ऑडियंस है वो 70% ऑडियंस है, अर्थात यंग ऑडियंस। अब उसके बाद यहाँ पे जेंडर वाले पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है जेंडर पे। तो जेंडर पे देखिए जो मेरे पास मेल है वो है 38%, ठीक है ना, मतलब 39% मान लीजिए उसको, और जो मेल है वो 61% है, अर्थात फीमेल सिर्फ 38% है और जो मतलब आदमी है मैन है वो 61% है। तो अब यहां से आपको क्लियर हो गया, अब वहां पे एज क्लियर होगा, ये क्लियर हो गया। तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे दिमाग लगाना है कि 70% में जो 18 से 34 साल के लोग क्या करते हैं, तो उसमें से ज्यादा लोग करते हैं पढ़ाई, क्योंकि 60 से 61% लोग मेरे में युवा हैं, वो भी जेंट्स मतलब लड़के, तो वो करते हैं पढ़ाई। तो वो किस टाइम खाली होंगे? तो अगर आपकी एज 24 साल 25 साल है तो आप खुद से गेस कीजिए कि मैं किस टाइम फ्री रहता हूँ, कॉलेज स्कूल पढ़ाई करने के बाद कोचिंग करने के बाद किस टाइम फ्री रहता हूँ। तो सुबह के टाइम अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं 8 से 10 के बीच में, तो वो स्कूल जाते हैं, उनसे जल्दबाजी में भाग दौड़ होती है, तो उस टाइम पे वो वीडियो अपलोड तो आप कर देंगे, अगर टाइम रहेगा तो देख लेंगे, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो वो नहीं देखेंगे। इसीलिए आपकी वीडियो पे व्यूज नहीं जाता है, नहीं क्यों जाता। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दोपहर में या 2 बजे 1 बजे 3 बजे अपलोड करते हैं, लेकिन एक्चुअली में उस टाइम वीडियो नहीं अपलोड करनी चाहिए अगर आपका चैनल छोटा है। तो फिर आपको किस टाइम अपलोड करना है? आपको अपलोड करना है शाम के 4 से 6 के बीच में, क्योंकि उस टाइम बच्चे सारे के सारे घर रिटर्न हो जाते हैं, घर वापसी कर लेते हैं, आप लौट चले, मतलब उनका कोचिंग उनका स्कूल सब कुछ खत्म हो जाता है और घर पहुँच के वो जैसे थाली में खाना लेते हैं उससे पहले वो मोबाइल उठाते हैं और देखते हैं कि आज की अपडेट ताज़ा खबर क्या है। तो उस टाइम अगर आपकी वीडियो रिसेंट में तुरंत पब्लिक होती है और उसका टाइम पे आपका नोटिफिकेशन आता है तो वो 100% आपकी वीडियो देखेंगे। और ये किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं बता रही हूँ, समस्त कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना। उस टाइम पे अगर आप वीडियो पब्लिक करेंगे तो आपका 100% वीडियो पे व्यूज आएगा। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि कितने परसेंट लोग आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं और कितने परसेंट लोग नहीं सब्सक्राइब कर रहे। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो देखते तो हैं, पसंद तो आती है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप देख सकते हो कि मुझे 51% लोग नहीं सब्सक्राइब करते, उनको वीडियो मेरी पसंद आ रही है, मेरे बताने का समझाने का तरीका पसंद आता है, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं उनसे कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन आप ऐसा कॉन्टेंट दीजिए कि वो भी 51% लोग आपको सब्सक्राइब करें। उसके बाद आप यहाँ से भी गेस लगा सकते हो कि जो आपकी ऑडियंस है वो और किसको वॉच करती है। तो आप देख लीजिए लिखा हुआ अदर वीडियो योर ऑडियंस वॉच, यहाँ से आप गेस कर सकते हो और देख सकते हो कि ये कौन सी ऑडियंस है, किस टाइम पब्लिक करती है। तो ये मेरी ऑडियंस है जिसमें मनोज दे, टेक्निकल योगी, रक्षा मैडम, टेक चैंपियन सपोर्ट, अलग अलग लोग उनको देखते हैं। तो ये काफ़ी बड़े क्रिएटर हैं, इनके पास मिलियन आप सब्सक्राइबर हैं। तो अगर किसी टाइम ये वीडियो पब्लिक कर देंगे तो इनके वीडियो पे व्यूज आएगा, लेकिन आपके नहीं आएगा। तो एक्चुअली में आपको एक टाइम बाध कर लेना है, मान लीजिए आपके अगर यंग ऑडियंस है यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो आपको एक टाइम पे फिक्स कर लेना है और अपनी हर एक वीडियो में बतानी है। जैसे मान लीजिए ये वीडियो मेरी है तो आपको बोलना है कि नेक्स्ट वाली वीडियो शाम के 4 बजे आएगी कल, और उसमें जो फर्स्ट कमेंट करेगा उसको मैं आपको विनर बनाऊंगा, अपने कम्युनिटी में शेयर करूंगा, अपने टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाऊंगा। इस तरीके ऑडियंस आपके चैनल पर आती है, अट्रैक्टिव होती है और आपके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करती है। उसमें आप कोड नंबर भी दे सकते हो कि वीडियो में 2 कोड है, आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, जो सबसे पहले कोड करेगा उसको प्रमोशन करूंगा। इस तरीके से आपकी वीडियो का वॉच टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा आएगा
तो आपके वीडियो पे व्यूज आने का चांस ज़्यादा होगा। और इस तरीके से आप 7 दिन ट्राई करके देखिए, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि सिर्फ आपको 7 दिन अपनी वीडियो में ट्राई करना है, 7 डेज, उसके बाद आपको रिजल्ट आपके सामने मिल जाएगा। तो एक्चुअली में आपको अब पता चल गया होगा कि वीडियो अपलोड करने का सही टाइम कौन सा है, जिस टाइम पे आपको वीडियो अपलोड करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड नॉलेजबल लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजबल लगी हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी techaishwarya23 है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।